हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एचटीएमएल सीरीज। और आज इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे फोल्डर क्रिएट करने से। आप लोग अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे ड्राइव्स में कहीं पे भी कोई फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर इसलिए कि वो आपकी सारी एचटीएमएल की फाइल्स को, आगे हम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट भी कवर अप करने वाले हैं, उनकी फाइल्स को इकट्ठा एक जगह पे रख पाएगा। सो फोल्डर बनाने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू पे आप जा सकते हैं, फोल्डर पर क्लिक करेंगे। हमें इसको नाम दे देते हैं वेब डिजाइन। अब हमें क्या करना है, जितनी भी फाइल्स हम बनाने जा रहे हैं, जितनी भी इमेजेस हम यूज करने वाले हैं हमारी वेबसाइट में, जितने भी स्टाइलिंग, जितने भी जावास्क्रिप्ट हम यूज करने वाले हैं, सब कुछ हम स्टोर करेंगे इस फोल्डर के अंदर। सो आप इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे सबलाइन टेक्स्ट पे जा सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको सबलाइन टेक्स्ट ओपन कैसे करना है। आप यहाँ क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे सबलाइन, आपको ऑप्शन मिलेगा सबलाइन टेक्स्ट 3, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इससे होगा कि आपको एक ब्लैक कलर की स्क्रीन, एक अच्छा इंटरफेस, ब्लैक एंड व्हाइट इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको जाके इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं Ctrl+S, या फिर आप फाइल में जाएंगे, फाइल में आपको ऑप्शन मिलेगा सेव कर। फाइल को सेव करने के लिए आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए अपनी डेस्टिनेशन, जहां पे आपने फोल्डर बनाया था। तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने एक फोल्डर बनाया था वेब डिजाइनिंग नाम से। तो हम आ गए हमारे फोल्डर के अंदर। अब इस फाइल को हम कोई भी नाम देंगे। नेमिंग का कन्वेंशन भी मैं आपको समझा देता हूँ। नाम कुछ ऐसा दीजिएगा जो रिलेवेंट मिलता जुलता हो हमारे टॉपिक से। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दिया इसको स्ट्रक्चर .html। अभी .html है क्या? ये .html कहलाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वो चीज है जो आपकी फाइल के फॉर्मेट को डिस्क्राइब करता है, बताता है कि आपकी फाइल का फॉर्मेट क्या है। सो याद रखिएगा, आप लोग अपनी फाइल के एंड पे .html जरूर लगाएंगे। अगर आपने .html यूज नहीं किया है तो आपकी फाइल html फॉर्मेट में सेव नहीं होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको सेव करते हैं। अब हम लोगों ने सेव कर लिया है, हमारा जो सबलाइम टेक्स्ट है वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना इंटरेक्टिव है, वो समझ पाएगा एचटीएमएल के सिंटैक्सेस को, तरीकों को। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे दो एंगुलर ब्रैकेट्स और इसमें टाइप करेंगे एचटीएमएल। मैं थोड़ा फॉन्ट साइज डिक्रीज करता हूँ। तो अब इसके बाद हमें दूसरा ब्रैकेट लगाना है ऐसे। सो एचटीएमएल के लिए हम यूज कर रहे हैं सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट इतना इंटेलिजेंट है कि जब हम इसका स्टार्टिंग टैग लगाते हैं तो इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है क्या। ये दोनों एक ब्रैकेट के जैसे, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम मैथ्स में यूज करते थे। सो मैथ्स में हम क्या करते थे, हम लोग ब्रैकेट यूज करते थे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है हमारा ओपनिंग ब्रैकेट कहलाता था, और नीचे वाला ब्रैकेट हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट कहलाता था। सेम इसी तरीके से एचटीएमएल में टैग्स होते हैं। सबसे ऊपर जो आप लगाते हैं वो आपका एचटीएमएल का स्टार्टिंग टैग है, इसको आप कह सकते हैं स्टार्ट टैग। ठीक है, और जो लास्ट में आप लगाते हैं वो आपका होता है एंड टैग। तो याद रखिएगा सब लोग, बेसिकली हम लोग दो टैग्स यूज कर रहे हैं एचटीएमएल के अंदर। हर एक चीज जो हम बनाने वाले हैं आगे, उनके दो टैग्स यूज होने वाले हैं, एचटीएमएल का स्टार्ट टैग और एंडिंग टैग। ऐसे अगर हम लोग कुछ और बनाएंगे तो उसका भी एक स्टार्टिंग टैग होगा और एंडिंग टैग होगा। जितना भी हमें काम करना है वो सारा इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में, इन दोनों टैग्स के बीच में करना है। परफेक्ट, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले मैंने जो एक लिखा है इनको हटा देता हूँ यहाँ से। अब हमने ये फाइल सेव कर रखी है, तो मैं Ctrl+S करूंगा। आप एक चीज यह नोटिस कर सकते हैं कि जब तक आप फाइल को सेव नहीं करेंगे दोबारा, वहां पे डॉट आता होगा। जैसे आप फाइल को सेव करेंगे वो डॉट कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में। अगर आपको वहां डॉट दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि आपकी फाइल सेव नहीं है। तो मैंने फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपने फोल्डर में जाऊंगा जिसमें मैंने फाइल को सेव किया था। ये फोल्डर यहाँ ऑटोमेटिकली मेरा ब्राउजर इसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपका ब्राउजर डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आप राइट क्लिक करके ओपन विथ में जा सकते हैं और किसी भी ब्राउजर से इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। बट मेरा जो ब्राउजर है गूगल क्रोम, उसने डिटेक्ट कर लिया है मेरी फाइल को। सो मैं डबल क्लिक करके इसको रन कर सकता हूँ। सो फाइनली मेरा एक वेब पेज ओपन हो गया है। अभी ये वेब पेज बड़ा ब्लैंक सा है। सो इस वेब पेज के बारे में थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को। कंप्लीट जो एरिया है इसका, इसको हम वेब पेज बोलते हैं। हमारा यहाँ से लेके जहाँ पे structure.html लिखा है, यहाँ से लेके जहाँ मेरे बुकमार्क्स हैं, यहाँ तक के एरिया को हम लोग हेड बोलते हैं, और नीचे का जितना भी वाइट स्पेस है उसको हम बॉडी कहते हैं। सही।
और जो हमारा स्ट्रक्चर डॉट एस टी एम एल लिखा है इसको हम टाइटल कहते हैं। सो बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इस वेब पेज का एस टी एम एल के वेब पेज का स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर सबसे ऊपर जो पार्ट है आपकी बुकमार्क्स तक उसको हम कहते हैं एस टी एम एल का हेड पोर्शन, और नीचे का जो व्हाइट स्पेस है उसको हम कहते हैं बॉडी पोर्शन। यहाँ जो स्ट्रक्चर डॉट एस टी एम एल लिखा है इसको हम कहते हैं टाइटल, एंड ये हमारा कहलाता है यू आर एल। आई होप समझ में आया होगा। चलो थोड़ा आगे मूव करते हैं, एंड बेसिकली हम मूव कर जाते हैं हमारे वेब सबलाइन टेक्स्ट के ऊपर। अब जैसा इंटरफेस आप लोगों ने देखा है अभी वेब पेज का वैसा आपको डिजाइन करना है एचटीएमएल के अंदर। सो सबसे पहले एचटीएमएल के दो पार्टीशंस थे, पहला हेड दूसरा बॉडी। तो सबसे पहले हेड को डिजाइन करने के लिए आप लिखेंगे हेड टैग। सो हेड का स्टार्टिंग टैग लगाएंगे एंड उसके बाद आप हेड का एंडिंग टैग लगाएंगे, परफेक्ट। सेम इसी के बाद आप बॉडी के लिए बॉडी का स्टार्टिंग टैग लगाएंगे और आप बॉडी का एंडिंग टैग लगाएंगे। ये करते ही आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, मैं फिर मिस कर चुका हूं यहां पे, परफेक्ट। सो ध्यान रखिएगा आप जो काम एचटीएमएल के हेड में करेंगे वो हेड में डिस्प्ले होगा, जो आप बॉडी में करेंगे वो बॉडी में डिस्प्ले होगा। इसके बाद हम हेड के अंदर एक टाइटल यूज करना चाहते हैं, तो हमने लगाया टाइटल टैग और इसको क्लोज भी कर दिया। इतना हमेशा याद रखिएगा कि जो भी टैग आप स्टार्ट कर रहे हैं वो एंड करना कंपलसरी है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टाइटल टैग के अंदर कुछ भी जो भी आप चाहते हैं कि आपको डिस्प्ले हो वहां पे स्ट्रक्चर डॉट एचटीएमएल की प्लेस पे, आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप किया फर्स्ट वेब पेज। अब मैं इसको वापस से सेव करता हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने सेव नहीं किया है वापस, तो यहाँ पे एक डॉट बना रहा है, ठीक है। मैं सेव कर लेता हूँ, वापस वो क्रॉस में कन्वर्ट हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, एक और तरीका है फाइल को रन करने के लिए सबलाइन टेक्स्ट की हेल्प से। आप अपने सबलाइन टेक्स्ट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन इन ब्राउजर, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अपना वेब पेज दिख जाएगा, एंड यहाँ देखिए जहां पे पहले स्ट्रक्चर डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ था वहां पे अब लिखा आ रहा है फर्स्ट वेब पेज। सो बेसिकली ये था कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एचटीएमएल के। वापस एक बार रिवाइज करवाता हूँ, रिकैप कर लेते हैं हम लोग। हेड टैग लगाएंगे, हेड टैग लगाएंगे, बॉडी टैग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एचटीएमएल दो पोर्शंस में डिवाइडेड है। ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है हेड और नीचे वाला ब्लैंक स्पेस कहलाता है व्हाइट वाला बॉडी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।